हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो है बहुत खास दिन है मेरे लिए। आप देख सक रहे हो, ये ट्यूब में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये आप देख सक रहे होंगे, ये देखिए, ये जो है इसका नाम मैंने जंबो रखा था आज से 6 साल पहले। आज इसका बर्थडे है, आज ये 6 साल का हो गया है। वाह, मज़ा आ गया। कोई देखते भी नहीं बोल पाएगा ये 6 साल का हो गया। सुबह उठ के मैंने साफ कर दिया था। साफ़ करने के बाद फिर क्या हो गया, फिर बारिश आ गया, तो ऐसा हाल फिर धोना पड़ेगा। बाद में पूरा मट्टी ऊपर आ जाएगा वो, तो हम लोग फिर साफ़ कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज इसका बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये कैसा लिया मैंने, मेरे लिए ये आसान नहीं था, ये लेना आसान नहीं था, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और जिसका पास पैसा होता है वो लोगों के लिए बहुत आराम है, लेकिन जिसका पास कम होता है वो लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। मेरा पास तो और भी ज़्यादा चैलेंज था। आगे वाला ब्लॉग में हम बताएंगे ये मैंने कैसे लिया और कैसे मैंने इसको अपनाया। नान, आपको याद है ये क्या है? स्कूटी का चाबी। ये जब आप स्कूटी लिया था, हम आपको उसका फर्स्ट एनिवर्सरी में दिया था। फर्स्ट एनिवर्सरी में। तो आज ये कितना साल हो गया? 5 साल हो गए मेरा ये किचन दोस्तों। शादी से पहले भी लिया था, मतलब शादी से पहले ये स्कूटी हम लोग लिया था। और उसका 1 साल में नान ने हमको ये गिफ्ट किया था। ये वाला गिफ्ट किया था, दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है, कैसा दिखाएगा इसको? पकड़ो तो नंतर, ऐसा पकड़ा, हम उसको जूम करके दिखाएगा। रुको ना, ऐसा ना रुका, हम उसका अभी हम कर देगा। ये हम लोग खुराफाती आइडिया है ना। अरे अरे रुको, कब होगा? तो इस तरह से ये है चेन, जो कि क्लियर नहीं दे, अभी देख रहा है ये देख। हेलो दोस्तों, ये था नान ने मुझे गिफ्ट किया था, सिर्फ ये है, ये सिर्फ ये, मतलब ये तो अभी हाल ही में मिला। ये जो है 5 साल हो गया नान। हम लोग बाद में आपको कहानी बताएंगे ये कैसा हुआ, मतलब हम लोगों को क्लियर आ जा, हम लोग ने ये स्कूटी कैसा लिया, क्या कैसा हम लोग का हालत था उस समय में, नहीं ना? बहुत हम लोग बहुत दौड़ा भाग दौड़ किया, तब हमें ये जंबो, इसका नाम मैंने जंबो रखा था आज से 6 साल पहले ही रखा था, जब लिया था तभी रखा था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक, इससे मैं बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट, तो शायद 3-4 स्टेट कवर किया है नॉर्थ ईस्ट का। गुवाहाटी भी अंदर अंदर भी गया मैंने इस स्कूटी से, नान को बैठा कर पीछे स्कूटी कहाँ कहाँ गया ये स्कूटी। शिलोंग में तो इसका कोई हिसाब ही नहीं, शिलोंग में इसका कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत जगह गया इसको लेके। तो आज इसका कहानी आपको हम लोग बताएंगे। ब्लॉग में बने रहिए और हमें सपोर्ट जरूर करिए, थैंक यू। हेलो गाइस, हम तो बाबू को देखा नहीं भूलिया था यार, बाबू तो इधर खेल रहा है, इधर से नान, इधर से नान के ये बोलता है कि हमको क्या, पहला तो गाना का टाइम छूता ही नहीं था, इधर दिख रहा है देखो। अभी तो बात बात में कुछ में भी होता है कैमरा उठा लेता है, क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गया? बोल रहा हमको, चलो ठीक, कोई बात नहीं। और इसके बारे में हम बोलने भूल गया, आप देख सकते हो स्कूटी इधर कोना में क्यों रखा है, स्कूटी इधर है और बाइक उधर पीछे, ये टंकी के पीछे उधर कोना में डाल दिया हमने। कल इधर में पूरा भीड़ भाड़ था, अब मेरा पहला वाला ब्लॉग में देख लेगा, तब से ऐसा रखा है तो ऐसे रख दिया हम। और इसी तरह से हम लोग का ज़िंदगी है, छोटे मोटे लोग। बेबी हमको क्या बोला, बना टट्टी करो जाके, थे वो कर लिया हम, बने ना भूख लगा है, थे ना करा ना नान, बना भक्कर होने के बाद। मैंने बोला पहले से यूट्यूब के चैनल क्यों शुरू नहीं किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये जो जंबो है ना मेरा, ये बहुत स्ट्रांग था, ये बहुत स्ट्रांग, हम कहाँ कहाँ नहीं गए इससे। अगर उस समय में शायद अगर हम ब्लॉगिंग करने वाला होता, अगर ब्लॉगिंग किया होता तो मेरा भी कुछ कुछ हो जाता था शायद, लेकिन क्या करे, बुद्धि जो है देरी में खुलता है, देरी खुलता है बुद्धि। लेकिन इसका तो बड़ा, ये तो मत बोलो यार, ये सही दिखता है ना, टायर भी है, नान का एक पैसा है, एक मेरा पैसा है, ये टायर। इस तरह से अभी इसका बर्थडे के दिन में एक बार तो चलाना ही होगा, इसको साफ कर दिया, टिप टॉप कर दिया पूरा, देख सकते हो क्या काम देते हैं, क्या अच्छा देखेगी। ओ भाई, एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, तो इसको लेके हम थोड़ा घूम के आते हैं, देख के आते हैं इधर उधर कुछ कुछ। हम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि देखो बाइक भी उधर ढाल दिया कल, ये स्कूटी इधर रख दिया हमने इधर में, तो अभी इधर से निकाल दिया, साफ उफ कर दिया। अब भी जब ये निकाल रहा था, बाबू उधर आ गया, अब वो तैयार हो रहा है, देख सकते हो तैयार हो रहा है,
ध्यान दे रहा है, वंदन तैयार हो रहा है, हमको तो दिख रहा है। इस तरह से अभी हम लोग निकलेंगे, फिर मिलते हैं। इसका कहानी तो बताना बाकी है, कहानी ज़रूर बताएंगे आपको। नान बोना वो क्लियरेंस है। तो अभी आज के बर्थडे में फर्स्ट दिन में भी आप बैठा था याद है? हाँ दोस्तों, हम स्कूटी हम कभी नहीं चलाया था, मतलब चलाया था मतलब कभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा दामी स्कूटी शोरूम से निकला और बताओ ना कहानी। हेलो गाइस, अब हम जा रहे जंपर को लेकर। आज इसका बर्थडे है, आपको शीशा में दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बाबू को मेरा मम्मी का घर में ड्रॉप कर दिया, फिर हम लोग जाएंगे एक जगह, फिर हम लोग दिखाएंगे बाबू आके बाबू को। बाबू से मिलना, मम्मी आ रही है, मम्मी को दिखा देगा ना रिश्ते में। इसको खाना खिलाते हैं यहाँ पेट्रोल पंप से। एचपी होना तो यहाँ नहीं डालते, हम आगे डालते हैं, लेकिन आज डाल लेते हैं यहाँ पे। ब्लॉक देरी होती नहीं, इधर आगे से डाल देना ना। क्यों क्योंकि हम लोग को देरी नहीं करना है, हम बाबू छोड़ के आएंगे। हम लोग जहाँ से डालते हैं वहीं से डालेंगे पेट्रोल, उसके बाद हम लोग मालिक कितना था नहीं दिखा दे, एडन फेंक दिया, एडन नहीं डाला। The next day. तो गाइस इस तरह से आज जो उस दिन मैंने बताया था, उस दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो मैंने बोला था मेरा स्कूटी के बारे में मैं बताऊंगा। हमारा जो जंबो है, जंबो स्कूटी के बारे में हम बताएंगे। जंबो स्कूटी जो था मेरा, उसको लेने का बहुत वो था, सपना नहीं था, वो लेने का सपना नहीं था। और मैंने जो स्कूटी बुक किया था वो था, जैसे बाबू खेल रहा है इस तरफ से खेल रहा है। और भाई ना हेलो बना, देख तो भाई जैसे आ रहा है कि नहीं, देख तो आ रहा है, भाभी आ रहा है, भाभी डूम 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 डू
ऐसा देख थोड़ा हम छोटा सा एक वीडियो बना लेगा मेरा, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं घर में, वीडियो बनाना बहुत तकलीफ है दोस्तों। तो वीडियो इस तरह से मेरा स्कूटी का कहानी है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कैमरा लिया ना आप देख सकते हो कैसा लिया मैंने, इस तरह से लिया है। और ये बहुत तकलीफ है हमको क्योंकि कभी नहीं किया ऐसा। तो कोई बात नहीं, मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो इस तरह से रहेगा। स्कूटी 2017 का बात है, जून का एक दो तारीख का बात होगा, एक दो तारीख से पहले का बात है। तो मैंने जो बुक किया था मेरा औकात के हिसाब से, मैं उसको पे इसका डाउन ईएमआई पे करने सकने का लाइक का मैंने बुक किया था नावी NAVI होंडा का, जो है जो सबसे कमती दाम में वो स्कूटी से बाइक बोला जाता था, उसको स्कूटी भी नहीं बोलता था, उसको बोलता था ना एकदम बाइक। आप देख सकते हो नावी टाइप करने से आएगा। और जब वो आया था तो हम वो लेगा सोचा था, और मैंने जाकर ऊपर आपका मुंबई में जाकर बुक भी कर लिया। और बुक कर लिया उसको, कुछ पेमेंट दिया, लोन वोन हो गया, सब हो गया उसका, सब कुछ हो गया, कागज़ वागज सब हो गया। मेरा डिलीवरी था जिस दिन मेरा डिलीवरी था, लेकिन अच्छा हुआ डिलीवरी से पहले भी क्या हुआ था, मैंने देखने गया था कि वो स्कूटी मैं ले सकता हूँ कि नहीं। तो एक दिन उसका वो हॉर्न नहीं था या कुछ नहीं था, और एक दिन उसका वो मिरर नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो उसको जब ये सब आ जाएगा तो मैं उसे ले लूँगा बोल के। जब मैं वो सोचा ले लूँगा बोल के, तो एक दिन मुझे खबर आता है, वो लगभग होता है आपका 9 तारीख नहीं ना, जून 9 तारीख हो जा नहीं। तो नान भी था मेरे साथ उस समय में, वहाँ पे नान भी था। और जून 9 तारीख में सुबह सुबह मुझे खबर आता है कि स्कूटी का शोरूम क्या जल गया, स्कूटी का शोरूम जल गया पूरा। आप सोचे, और वो क्या हुआ था, तब कुछ कम्युनिटी फाइट हो रहा था हम लोग का शिलोंग में, पंजाबी और खासी लोग के बीच में कुछ फाइट चल रहा था, और उसका कारण से उन लोगों ने वो शोरूम को जला दिया। और जब शोरूम को जला दिया तो जब वहाँ से मैनेजर हमको फ़ोन किया कि आपका ये स्कूटी और डिलीवरी नहीं होगा क्योंकि शोरूम नहीं रहा, वो जल चुका है। और हमको बहुत दुख लग गया, तो मैंने नान को फ़ोन किया, नान इधर आप देख सकते हो, नान को फ़ोन किया, और मैंने बोला नान क्या करेगा अभी, हमको तो स्कूटी चाहिए। हम बहुत दिल टूट गया क्योंकि मेरा बहुत उम्मीद था स्कूटी लेने का नहीं ना। तो फिर हम लोग वहाँ से मैं नान का घर गया, और तब स्कूटी नहीं था तो हम पैदल ज़्यादा चलते थे, शादी भी नहीं हुआ था तो, लेकिन हम पैदल बहुत चलते थे। तो मैं नान के घर गया, नान के घर जाने के बाद हमने डिसाइड किया क्या करना है, और मैंने छुट्टी ले लिया काम से। मैं पढ़ रहा था अभी, शायद सेकेंड सेमेस्टर में था BBS कॉलेज से। तब मैं नान का घर में दौड़ के गया, भाई तेरा पकड़ते हम हाथ दर्द हो गया, थोड़ा देरी तो हाथ दर्द हो गया, आप देख सकते हो ऐसा करके पकड़ रहा था हम उसको। तो जब हम लोग नान के घर में गया तो हम लोग डिसाइड किया कि हमको स्कूटी क्या लेना है, तो दूसरे लेना है तो स्कूटी जो है हमको लेना चाहिए। तो मैं नान से बात करके हम लोग नीचे, नान का घर का थोड़ा नीचे, हम नान बोलते हैं उसका घर का थोड़ा नीचे, मतलब आपका नोंगठमाई में अप्रैला शोरूम था है ना। तो हम लोग अप्रैला शोरूम में गया, वहाँ से कोटेशन क्या क्या ले लिया, उन लोगों को कहानी पूरा बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा स्कूटी हमका डिलीवरी होना था लेकिन शोरूम का आग लग गया, तो मेरा स्कूटी का मत करना छोटे वो लेंस से तो कुछ भी काम नहीं होता था, रुकना बताएगा वो भी कहानी बताएगा। तो जो स्कूटी अच्छे से थोड़ा ऊपर, तो स्कूटी वो लेने से हम लोग सोचा था कि क्या, हम जब वहाँ पे गया उसको पूरा कहानी बता दिया, और कहानी बताने के बाद मेरा जो शोरूम से लोन लोग ने, नहीं नहीं हम लोग पहला वहाँ देख के फिर हम लोग और एक स्कूटी देखने गया था रेजी बोल के, रेजी दैट आर यामाहा का जो है वो स्कूटी जो था वो आपके नीचे जेली शॉप में था। हम लोग वहाँ से पैदल फिर जेली शॉप में गया, जेली शॉप में भी जब गया वो स्कूटी अवेलेबल नहीं था ना, काला में चाहिए था हम लोग, वो लोग बोला एक महीना के बाद में आओ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को जो था मेरा अंदर में जो किया था, मेरा दुख हो गया था, तो मुझे स्कूटी चाहिए था। तो मैंने क्या किया फिर नान हम लोग दोनों ऊपर अप्रैला में गया, अप्रैला शोरूम में जाकर फिर मैंने वहाँ में उसका कोटेशन जो होता है, स्कूटी का कोटेशन जो होता है वो ले लिया। नान ने कलर सेलेक्ट कर लिया, ये जो स्कूटी का कलर आप देख सकेंगे, ये साइड में कहीं फोटो आ रहा होगा, ये स्कूटी का जो कलर है वो नान ने सेलेक्ट किया स्कूटी को। जब वो स्कूटी को सेलेक्ट कर रहे हैं हमने बता दिया ऐसा ऐसा है, तो मैंने ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किया जहाँ से मेरा नावी के लिए लोन पास किया था, वही मैनेजर बहुत अच्छा। जब हम लोगों ने वहाँ पे गया, वहाँ से हम लोगों को कोटेशन दिया, हमारा एक बैंक में एक सर था, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। जब वहाँ पे गया उन्होंने हमारा जो लोन सोचे, अब लोन जो था वो डबल हो गया था, 54 था आपका नावी का दाम, और इसका लगभग कुछ कती थे अप्रैला को कुछ था लेकिन डबल था,
ये नाभि से डबल था इसका दाम, और इसमें हम लोग का जो डाउन पेमेंट था वो भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता था, और उसका जो लोन अमाउंट था वो भी ज़्यादा हो गया था। फिर भी वो सर ने मुझे मैनेज करके वो एक दिन में, आप सोचिए 9 तारीख का दिन में ही उन्होंने, जून का 9 तारीख 2017 में उन्होंने मुझे साथ दिया, और मैं वो उन्होंने चेक दिया था वहाँ से, वो चेक लेके हम फिर स्कूटी शोरूम में गया। स्कूटी शोरूम में लेकर मैं नान को वो लोग डिलीवरी कर दिया, लेकिन अप्रैला का एक बहुत ख़राब चीज़ था, मैंने सब चीज़ में सब जगह में देखा कि वो लोग फोटो खींच के फ्रेम देते हैं स्कूटी के साथ ना, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला, स्कूटी लेके जाओ बोला बस लेके, चाबी अभी भी ऐसा पकड़ने नहीं दिया ना, पकड़ने नहीं दिया। तो हम लोग वो लेके आ गए, जब हम लोग वो लेके आ गए तो हम लोग वहाँ पे मोगलाई में ही उसका शो सर्विस सेंटर था, वहाँ पे हम लोग उसका जो कारपेट हो गया, साइड स्टैंड हो गया, वो सब लगाया ना। उसके बाद हम लोग फिर बैंक में गए, बाकी बैंक का काम करके आज जो ये स्कूटी है इस तरह से, ये बहुत आसान नहीं था मिलने के लिए। आज जम्बो उसका नाम हम लोग ने रखा, आज से 6 साल मतलब 5 साल पहला, अब आज 6 साल हो गया, गया कल 9 तारीख में 6 साल हो गया जब ये स्कूटी लिया। ये लेने के बाद में बहुत जगह कवर किया ना हम लोग, हम लोग नान का गाँव भी किया ये स्कूटी से, हम लोग कवर किया 7 गाँव किया, और बहुत सा जगह हम लोग इस स्कूटी से गया, बोको गया मैं स्कूटी से, स्टीमर के ऊपर में भी मैंने स्कूटी चढ़ाया, और वहाँ से हम लोग नदी के ऊपर में हम लोग पूरा स्कूटी को लेके गया। इस उस टाइम अगर मैं यूट्यूब वीडियो बनाया होता तो शायद आज कहाँ होता हाँ, लेकिन उस समय में हमने बुद्धि नहीं आया कि यूट्यूब वीडियो बनाना है। नहीं, लेकिन अगर आपको मैं बोल दूँ उस समय हम लोग ने बहुत घुमा, स्कूटी से हो या एसी हो, अगर हम लोग उस समय से अगर हम लोग ये वीडियो बनाने का ये करता था, हम लोग के पास बहुत मतलब कंटेंट होता बोलने के लिए, क्योंकि राइडिंग वाइडिंग तब कोई शुरू भी नहीं किया था होगा ना, आदमी लोग मतलब चलता था इधर उधर चलता था, लेकिन ये जो यूट्यूबर लोग भी ना, राइडिंग सुनने से 2-3 साल पहले ही आया होगा ये, लेकिन आज से 6 साल पहला तो क्या राइडिंग थी वाला, राइडिंग बोलने वाला कमती था, कोई मुश्किल से सुनता था राइडिंग, लेकिन हम लोग तो निकल जाते थे स्कूटी में, कहाँ जाते थे। तो इस तरह से मैंने ये स्कूटी को खरीदा 2017 का 9 तारीख जून में, और आज हम बहुत खुश हैं स्कूटी सब। अगर आप कंडीशन देखेगा अभी भी ये ब्रांड नहीं हुई, ये हमको कभी भी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा साथ दिया, और ये स्कूटी से हम बहुत प्यार करता है ये स्कूटी। स्कूटी ने मेरे लिए एक इमोशन है, और बहुत मज़ा आ गया स्कूटी को बारे में आप लोगों को बताने के लिए। छोटा सा कहानी था मेरा, जो मैंने स्कूटी को परचेज करने का टाइम में मुझे जो कितना फेस करना पड़ा टेम्पटेशन, सुनने में तो कभी ऐसा लगे कि यार कोई भी तो खरीदता है, लेकिन जिसका पास पैसा होता है वो लोग को खरीदने आसान है, लेकिन जिसका पास नहीं होता है एक स्टूडेंट होकर अपना पैसे से खरीदना है, उस टाइम हमको पापा भी मदद किया 8,000 रुपये ना, पापा भी मदद किया 8,000 रुपये। और ये चीज़ जो है ना मतलब एक बहुत गहरा बात है, स्कूटी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन जुड़ा हुआ है हम लोग का बहुत चीज़ में काम आया ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। हम लोग का चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी दूसरे की तरह हमारा भी व्यू ज़्यादा आए, आप हम लोग को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।